हेलो फ्रेंड, तो आपके मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो माई यूट्यूब फैमिली, तो देखिए आज हम मेरे किचन में क्या बना है। आज हम फिर से एक टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता लेकर आ गए हैं। ये बिना ही लहसुन प्याज के भी आप खा सकते हैं नाश्ता। तो इस जरूर रेसिपी को देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा फ्रेंड, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके कि मेरी नई नई वीडियो। रोज़ हम वीडियो टाइम डालते हैं। तो देखिए आज हम टेस्टी सा नमकीन चावल बनाया है, जिसमें बहुत सारी सब्जी अब बहुत ही प्रोटीन से भरा रहेगा। इसमें देखिए हमने आलू, बैंगन और ये पपीता कच्चा हमने लिया है, एक पॉकेट हमने बड़ा सोयाबीन लिया है, आधा हमने टमाटर लिया है। आप टमाटर नहीं भी लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं। तो देखिए हमने ये चावल धो कर रख दिए थे 10 मिनट पहले ही। आप अरवा चावल ले सकते हैं या कोई भी चावल ले सकते हैं। तो ये जो घर में हमारा यूज होता है चावल डेली, वही हमने चावल लिया है। चावल को धोकर इसको रख लिया था। इसमें आधा चम्मच नमक मिलाकर इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो जैसा कि हम नाश्ते में खाने के लिए आज हम नमकीन चावल बना रहे थे, तो इसमें हम उबलेंगे एक पॉकेट सोयाबीन, जिससे भरपूर हमारा पौष्टिक आहार मिल सके। वैसा ही हम नाश्ता बनाकर आपको आज दिखाएंगे। तो ये हमने पॉकेट फाड़ा तो हमने देखा कि बड़ा बड़ा सोयाबीन निकला है, छोटा नहीं निकला है। छोटा सोयाबीन रहता है तो और बहुत ही टेस्टी और मज़ा भी आएगा। आप चाहते हैं तो एक पॉकेट मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। मेरे घर में अवेलेबल नहीं था तो हमने नहीं डाला, आप ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट और बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो चलिए, हमने गर्म पानी में सोयाबीन को डाल लिया था, तो ये बड़ा बड़ा सोयाबीन है, तो बाद में इसे हम चक्कू से कट कर लेंगे। आपको हमने वीडियो में नहीं दिखाया है तो आप ज़रूर चक्कू से कट कर लीजिएगा। तो देखिए इधर हमने कढ़ाई गैस पर कुकर बैठा दिया था। इसमें रिफाइंड ऑयल या सरसों ऑयल डाल सकते हैं, तो आप रिफाइंड ऑयल में ही बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब 2-4 हरी मिर्च डाल देते हैं थोड़ा स्पाइसी के लिए। तो देखिए हम 2-4 हरी मिर्च डाल दी है, और जो सब्जी हमने ली थी आलू बैंगन, आपके घर में कोई भी सब्जी हो ले सकते हैं, केवल तीखा वाला सब्जी छोड़कर, झिंगनी उंगनी छोड़कर ये सब कोई भी सब्जी ले सकते हैं। करेला भी नहीं डालना है इसमें, लेकिन आपके पास कद्दू, गोभी, बटर, ये सब सब्जी आप डाल सकते हैं। तो हमारे जो घर में सब्जी अवेलेबल था वो हमने डाला है अभी। आपको ये रेसिपी जाड़ा के दिन में, यानी कि ठंडा के दिन में बहुत ही मज़ा लगता है। ठंडा के दिन में हमारे घर में बहुत ही सब्जी अवेलेबल रहते हैं, तो हम लोग इसको ज़रूर ही बनाइएगा। तो देखिए सभी सब्जी को हमने डाल दिए। अब सब्जी को 10 मिनट फ्राई करने के बाद नमक डाल देंगे, इसी के बाद सोयाबीन डाल देंगे। हमने सोयाबीन हमने काट कर उसका पानी निचोड़ कर रख लिया था पहले ही। तो देखिए हमने नमक डालने के बाद 10 मिनट और फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्राई हो चुका, तो सोयाबीन को हमने काट कर पानी निचोड़ कर रख लिया था, अब इसी को डाल देते हैं, इसको चलाते रहेंगे। तो देखिए इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम हल्दी और थोड़ा सा लाल कलर वाला मिर्च डालेंगे, और कोई भी हमारे मसाले नहीं चाहिए, हमारे पास मैगी मसाला नहीं था। तो देखिए इसी प्रकार आप चलाकर अच्छी तरीके से सब्जियों को सभी फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए हमारी सब्जी फ्राई हो चुकी थी, तो अब इसमें टमाटर को हम ऐड कर देंगे। हमने जो टमाटर काट के रखा था वही टमाटर हम ऐड कर देते हैं। इसमें देखिए हमने हल्दी डाल दिया था चम्मच के करीब, कलर के अनुसार ही हमें डाल देना है, तो हमने हल्दी को ऐड कर दिया है। तो देखिए इसका कलर भी सब्जी का बहुत अच्छा आ गया चुका है। तो चलिए इसमें अब हम टमाटर ऐड कर दिए हैं फिर, और अभी 5-10 मिनट भूजने के बाद अब हम चावल डाल देंगे, जो चावल हमने धो के रखा था। तो देखिए हम चावल को इसमें ऐड कर देते हैं। हमने चावल आधा केजी के करीब लिया था, अपने परिवार के अकॉर्डिंग आप जितना बनाना चाहते हैं, 3-4 जन के करीब, तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। आप जितना ज़्यादा चावल डालिएगा उतना ज़्यादा ही सब्जी लेना पड़ता है उसका दुगना। तो देखिए सभी को मिलाने के बाद 1 मिनट के फ्राई करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये रेसिपी आप बच्चों को जरूर खाइए, बहुत ही टेस्ट लगती है उन्हें, और सोयाबीन तो प्रोटीन से भरपूर होता है, सोयाबीन ज़रूर हम डालते हैं इसमें। हमारे बच्चों को बहुत ही पसंद भी आता है ये रेसिपी, बहुत ही वो लोग खाते हैं। आप नाश्ता में बना सकते हैं, आप घर में 2-3 जन अकेले हैं तो आप दोपहर में भी बना सकते हैं, दोपहर के चावल में। इसमें सब्जी दाल कुछ भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
बस नींबू प्याज काटिए और खा लीजिए फटाफट। तो देखिए हमारी हल्दी कम लग रही थी, हमने हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ा सा कलर वाली मिर्च डाल दिया। अब इसको मिलाते हुए और गैस को बंद कर देंगे, कुकर को बंद कर देंगे हम। और बस एक सीटी लगाइएगा, ज़्यादा नहीं लगाइएगा, ज़्यादा लगाने से थोड़ा ज़्यादा पक जाएगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो केवल हमको एक सीटी लगाना है, तो एक सीटी लगाने के बाद देखिएगा हम कैसे दिखाते हैं, कितना फटाफट हमारी सब नमकीन चावल बनकर रेडी देखे थे। हमारी फटाफट नमकीन चावल रेडी हो चुके थे, अभी जैसा ही गर्म था तो हमने आपको दिखाया है खोल कर। तो एक बार हम दिखाए हैं इसलिए क्योंकि इसको एक बार चला कर और 5-10 मिनट के लिए बंद कर रख देंगे। तो देखिए 5-10 मिनट के बाद हम फिर आपको दिखाएंगे, कुकर को हम बंद कर दे रहे हैं फिर से। तो देखिए 10 मिनट के बाद अब ठंडा हो चुका था, तो आपको हम सर्व करके दिखाते हैं एक प्लेट में आपको। और केक कितना फटाफट बना था देखिए, ये रेसिपी हमारी कितनी अच्छी लगती है कि आप यकीन नहीं कर पाइएगा। 100% ये बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है, ये चावल लगता है, आप ज़रूर खाकर एक बार ट्राई कीजिएगा अपने घर में फ्रेंड। तो देखिए ये फटाफट रेडी हो चुकी है, तो हम फटाफट अब प्याज और नींबू काट कर इसे सजा देने के लिए रख लेते थे। देखिए एक प्याज हमने एक नींबू काट कर रख लिया था, आप हरी मिर्च खाते हैं तो हरी मिर्च भी रख ले लीजिएगा। और बहुत ही टेस्टी से जल्दी से हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी थी। तो फ्रेंड इसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। तो देखिए हमारी नमकीन चावल कैसी लगी है वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आप फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा।